नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भिंड जिले में विधानसभा चुनाव हिंसक घटनाओं के बीच संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे मतदाता की शुरुआत होते ही यहां 5 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई, जिनमें तकनीकी खराबी के चलते काफ़ी देर से मतदान शुरू हुआ। इसके चलते यहाँ दोपहर 12 बजे तक वोटिंग 17% हुई। भिंड विधानसभा में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष रहा, जबकि गोहद, मेहगांव, लाहार और अटेर में भाजपा एवं कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा। दोपहर 1 बजे के करीब लाहार, मेहगांव सहित भिंड में छुटपुट हिंसक घटनाएं सामने आई। इसी बीच प्रशासन ने रणनीति के तहत लाहार, भिंड, अटेर और मेहगांव विधानसभा प्रत्याशियों को नज़रबंद करते हुए एक स्थान पर बैठाया। इसके चलते प्रत्याशी क्षेत्र में नहीं पहुंच सके और उन सभी को देर शाम चुनाव संपन्न होने के बाद छोड़ा गया। निर्वाचन आयोग जिले में कुल 1480 मतदान केंद्रों में से 556 केंद्र को अति संवेदनशील घोषित किया था। यहां चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, लेकिन मुस्तैद अर्धसैनिक बल के जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया और कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेगांव विधानसभा में मोहनपुरा गांव के 2 पक्षों में गोलीबारी की घटना भी हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चुनाव के दौरान ग्रामीण अंचल में उपद्रव की ज़्यादा घटनाएं सामने आई, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते ही स्थिति को संभालते हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। प्राइम न्यूज 24 के लिए भिंड से अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। नहीं, हम लोग बड़ी कार्रवाई, हम लोग सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट हो गया है। सुबह 4 बजे से हमारा सेक्टर मोबाइल और क्लस्टर मोबाइल और फ्लाइंग स्क्वाड, SST वगैरह भ्रमण कर रहे हैं और अभी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इसी तरह से आगे भी चलने के लिए लाल और अटेर भाजपा प्रत्याशियों को नज़रबंद किया गया। नहीं, हम लोग ऐसी नहीं, अभी हमारा वरिष्ठ अधिकारी हमारे तरफ से एक मीटिंग चल रहा है, मीटिंग से हम लोग उनके तरफ से कोई मैसेज है, शिकायत वगैरह प्राप्त होता है, मतलब हम लोग तुरंत हमारा टीम भी हम लोग भेज देंगे। मीटिंग कितनी देर तक की रहेगी, ये शाम तक? ये मीटिंग के आधार पर हम मीटिंग बताएंगे एंड कोई भी चीज़ है हम लोग एक विशेष गाड़ी या व्यवस्था वगैरह करेंगे। उनको कोई शिकायत है मतलब हम लोग साथ में लेके जाके उनको बता देंगे। 5 विधानसभा सीट के प्रत्याशियों को बिठा दिया जाएगा साथ में? नहीं, हम लोग अभी क्या कहाँ कहाँ शिकायत वगैरह प्राप्त होता है तो उसी के आधार पर हम लोग कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है, कोई शिकायत प्राप्त हो रही है उनके तरफ से, कोई मन में रहता है, कुछ भी शिकायत आता है तो हर शिकायत तो मैं अभी एक एक चीज में अभी पता नहीं है, बट कोई भी शिकायत आता है मतलब हमको अवगत करा दीजिए और हम लोग जाके उसको तत्काल निराकरण। तो कहाँ सर्किट हाउस बैठा लगेगा? अभी सर्किट हाउस में मीटिंग चालू होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।